हर साल जुर्म की हम कई खबरें देखते हैं, जिसे सुन हमारा दिल दहल उठता है। खौफ का मंजर 2019 में भी ऐसा छाया गुजरात में, जिसको सुन हमारी रूह कांप उठी। कौन सी है पांच सबसे बड़ी खबरें, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट में। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या लखनऊ में हुई थी, जिसके तार गुजरात के सूरत से जुड़े हुए थे। गुजरात एटीएस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सूरत के दो आरोपियों को शामलाजी चेकपोस्ट के पास से गिरफ्तार किया था। गुजरात के राजकोट में महज 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई थी। दरअसल बच्ची अपने परिवार के साथ झोपड़ी में सो रही थी, तब रात में एक हैवान ने बच्ची को झोपड़ी में से उठा लिया, फिर उसके साथ रेप करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। गुजरात के भावनगर में 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि रेप करने वाले आरोपियों की मदद खुद नाबालिग लड़की की मां ही कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। शराबबंदी वाले गुजरात में साल 2019 में भी अवैध शराब की तस्करी खूब हुई, और खुद सरकार ने विधानसभा में पिछले 2 साल के आंकड़े रखते हुए कबूला कि पिछले 2 साल में गुजरात में 252 करोड़ से भी अधिक रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। नित्यानंद आश्रम फिर एक बार विवादों में आया। बेंगलुरु के रहने वाले आश्रम के पूर्व साधक जनार्दन शर्मा ने आरोप लगाया था कि उनकी 2 बेटियों को आश्रम में बंदी बनाकर रखा गया है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और नित्यानंद आश्रम को खाली करवाया गया, साथ ही में आश्रम की 2 साधिकाओं को गिरफ्तार किया गया।